Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. बीजेपी के बीच में हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल जी। सर, चौकीदार विजय गोयल कहें तो ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा कहिए। आज हर व्यक्ति अपने आप को चौकीदार कहला के खुश है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश ये दिया है, जो देश की सुरक्षा चाहता है वो चौकीदार है, जो विकास चाहता है चौकीदार है, जो भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है वो भी चौकीदार है, और जो कि हर गलत काम को रोकेगा वो चौकीदार है। इसलिए आज हम चौकीदार हैं। एक जन आंदोलन तो मैं भी चौकीदार हूँ बन ही गया है। ये बन गया है इसलिए कि जो लोग चौकीदार के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे थे, जो लोगों को संकोच नहीं था प्रधानमंत्री को गालियाँ निकालने में, तो मैं समझता हूँ उनके पास एक संदेश चला गया है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ आप इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जैसे कांग्रेस के कई नेता और प्रवक्ता करते हैं। सर, आज होली का त्यौहार है, सद्भावना का त्यौहार है, आप होली दहन कर रहे हैं, आपका कहना है कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार की होली का दहन है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये ना होली नहीं है, ये होलिका है। होलिका, और वो भ्रष्टाचार की होलिका है। ये आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जोशी जी, लगातार उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और अब उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। सीधी सी बात समझिए, आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर, और उस समय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, और अब कांग्रेस की अध्यक्षा शीला दीक्षित हैं। अब वो उसके पैर पड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं कि दो सीटें जीतने के लिए हमारे साथ गठबंधन कर लो, तुम्हारी करप्शन जो है वो वहीं पर ही रहे। सर, बहुत असमंजस है अभी भी कि उन्हें गठबंधन करना है नहीं करना है, कांग्रेस की तरफ से होगा, आपको क्या लगता है एन समय पर ये गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, या फ्रेंडली मैच होगा, पीछे से गठबंधन होगा? असमंजस इसलिए है कि प्याज भी खाएंगे और जूते भी खाएंगे। कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो विधानसभा के अंदर नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ करें, पर अभी उनको लालच ही आ रहा है कि शायद हमारी एक सीट भी नहीं आए। तो दोनों ने कम से कम ये स्वीकार जरूर कर लिया है कि ना आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, ना कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है, और दोनों इस बात को कह भी रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। आपने विकास नहीं किया इसलिए आपने बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों के अंदर करोड़ों रुपए के दिए, आपने विकास नहीं किया इसलिए आप आज मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो किसी तरह से गठबंधन करके आप चुनाव को जीतना चाहते हैं। आपको लगता है भाजपा अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता और देश की जनता ने मन बना लिया है, सातों सीटें बीजेपी जीतेगी, गठबंधन हो या ना हो, आम आदमी गठबंधन हो या नहीं हो, क्योंकि जैसा हम समझते हैं ऐसे दिल्ली की जनता भी समझती है कि ये गठबंधन केवल अवसरवादिता है, ये गठबंधन केवल सत्ता लोलुपता के कारण है। तो ये थे हमारे साथ चौकीदार विजय गोयल जी, जिनका मानना है गठबंधन हो या ना हो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, भाजपा अच्छा परफॉर्मेंस अपने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में जरूर देगी। द प्रिंट के लिए प्रज्ञा कौशल।